वेलकम बैक टू गुलियास। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मंडे आफ्टर बायो मंथली फिर से क्लास स्टार्ट। बीओबी का क्लास है, 8 बजे लेट हो जाएंगे, जल्दी चलते। पोस्ट बायो मंथली 3 का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बाद में क्लास पहुँचने की जरूरत नहीं। में इतने बच्चे ही नहीं आए, एग्जाम के बाद सब सो ही गए। हार्डली 50 होंगे, आई थिंक अराउंड 50। हेलो गाइस, अभी ओबी का लेक्चर ख़त्म हुआ है, अभी फिर से सर्जरी का स्टार्ट होगा। सब अभी बायो मंथली 3 ख़त्म हुई है, सैटरडे को फिर से क्लासेस शुरू हो गए। सो बाई सो फार बायो मंथली 3 का एक्सपीरियंस तो अभी अच्छा रहा है, इतना बुरा भी नहीं रहा। चलो इनसे जानते क्या है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? हाँ, इसका तो अच्छा ही रहेगा सब कुछ। आपका बताओ, बुक वगैरह का सब पेज बुक नहीं बट सेट है, अब तुम बताओ। हम कहे तो फर्स्ट और दूसरी बायो मंथली से तीसरा का बुरा एक्सपीरियंस रहा है। बुरा बहुत बुरा नहीं कह सकते, लेकिन जितना है उतना बुरा ही है। हमने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, जो पहले के क्वेश्चन वगैरह थे, वो सब इतना काम ना लगा। मैं तो यही कहूँगा कि PPT अच्छे से पढ़ो। हाँ, स्टार्टिंग से ही पढ़ो। अगर सब अच्छा रह रहे तो बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट PPT पढ़ो, क्योंकि बाई मंथली के टाइम PPT पढ़ने का इतना टाइम नहीं रहता है। हाँ, वो भी है, सही बात। हाँ, जो अगर क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसमें भी सही आंसर की हो तो ठीक है, बाकी करके भी आई हो तो भी मार्क्स नहीं आते, लग जाएंगे इसमें। तो सी की बेस्ट पॉसिबल आंसर आप टिक करो, क्योंकि आज सुबह ही ओबी वैनी की मैम ने बोला कि हम थोड़ा एक वर्ड ट्विस्ट कर देते, आपको लगेगा पूरा सेम और आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़े और बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालें। मेजर सब्जेक्ट है उसमें तो क्वेश्चन की आ जाती है, मतलब बहुत नहीं, थोड़ा बहुत आ जाता है, बट माइनर के लिए PPT पढ़ो नहीं, मतलब कहते इतना रट डालो कि उसमें कुछ भी कहीं से कुछ भी हो तो भी, क्योंकि पढ़ के भी जाते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ पाते, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन ही और उसके आंसर ही 5 रहते हैं अलग अलग, तो उसमें जो ऑल ऑफ दी अबव ए बी, तो इसमें अच्छा नहीं जाता। तो पूरा समझो अच्छे से PPT वगैरह रट डाला था। पूरा जिसको जैसा लग रहा है, अगर रटने वाला है इंसान तो रट डालो। सही बात है, माइनर में तो सही है, पीपीटी में तो फोकस करना है, क्वेश्चंस रिलेटेड में पुराना कुछ नहीं। सही बात है, कुछ मार्क कहीं काम नहीं लगेगा, कुछ को छोड़ के बाकी तो है ही कि तुम PPT की पढ़ो। तो आज है एक्विटेंस पार्टी 2023। हमारे टाइम जब हम BS में थे, जब 2019 में, तो तब हुई थी वाटरफ्रंट सेबू में। तो इस बार कहाँ है? IC कन्वेंशन सेंटर सेबू। तो इस बार देखते हैं कैसी होती है, इतना जाने का मन तो है नहीं इस बार, देखते हैं जो लोग जाएंगे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा रहता है। तो इस बार की एक्विटेंस पार्टी के लिए कितने पैसे लिए गए? 1800 लिए गए हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? यही कहना चाहूँगा, जिस हिसाब से पैसे लिए हैं उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन हाई मत रखना, क्योंकि जब जब हाई रखते हैं तब पता ही है क्या होता है। तो देखते हैं आज कैसा रहता है। हाँ, तो इस बार होता ही है ना, 1800 लिए है तो अच्छा ही होगा और होना ही चाहिए, क्या बोलते हो आप? अभी जिस हिसाब से मैनेजमेंट है उस हिसाब से तो सही लग रहा है कि पहले के हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट, सब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो अच्छा ही रहेगा आज का सब कुछ। देखते हैं, आप भी जाओगे तो आप भी देखना आपका एक्सपेक्टेशन
टूट ना जाए, अदरवाइज ओवरवेलमिंग हो जाए, देखता है। चलो चलो, अब बातें हुई बहुत, अभी सर्जरी का क्लास है तो क्लास के लिए चलते हैं। 10 से 12 वो है, आज 3 बजे तक क्लासेस चलेंगे, नहीं 3 बजे तक क्लासेस है और फिर 4 बजे तक सब यहाँ पे सब बंद हो जाएगा और सब पार्टी के लिए निकल जाएगा। चलो क्लास के लिए चलता है, बाद में बताएंगे और जो भी हुआ हो आज। सर्जरी का लेक्चर अभी तक डॉक नहीं आए, टाइम हो गया है, टाइम बोलूँ तो अभी 10:14 हो गए, अभी तक डॉक्टर नहीं आए। सर्जरी का लेक्चर इतना शॉर्ट ही होता है, इतना बड़ा लेक्चर होता नहीं है, डॉक्टर आते हैं टाइम से पहले ख़त्म भी कर देते हैं। आज का तो देख, स्टूडेंट आ ही नहीं रहा आज तो, क्लास इमटी इमटी क्लास लग रहा है, पार्टी है शाम को, इसलिए पीडिया है 3 बजे तक, बाकी ख़त्म हो जाएगा 3 बजे से छुट्टी। तभी रहा कितना भी, 2 महीना रहा, फिर से सब नवंबर एंड तक तो सब ख़त्म हो जाएगा। मैं थर्ड ईयर ख़त्म पढ़ने का ख़त्म, फिर जनवरी फरवरी आई थिंक में अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएंगी, तब मज़ा आएगा, तब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पढ़ने का बहुत, यू नो थर्ड ईयर सक्स, बहुत लोड होता है, सेकेंड सेम से बहुत लोड हो गया, सब्जेक्ट्स बढ़ गए, लोड भी बढ़ गया, थर्ड बार मंथली आई थिंक बहुत हेक्टिक था शेड्यूल, फिर भी कर लिया इस बार फोर्थ एंड फाइनल में, तो भाई सब सारा एक साथ करना रहेगा। तो थर्ड ईयर में आई थिंक, थर्ड ईयर में यार बहुत मुश्किल रहा, इसलिए इतना टाइम नहीं मिल पाता। मैं इंटर्नशिप जो थे इतना बहुत ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला पाऊँ, इंटर्नशिप में मज़ा भी आएगा प्रैक्टिकली सीखने के लिए, आपको भी मैं दिखाऊँगा कि यहाँ की प्रैक्टिकली क्लिनिकली कैसे सिखाया जाता है, तब मज़ा आएगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ और लाइव दिखाऊँगा, तब तक के लिए देखते रहो चैनल, सब्सक्राइब कर दो अगर किया नहीं हो। आज का दिन देखता है कैसा जाता है, 3 बजे तक है, दिखाऊंगा। अब सर्जरी का लेक्चर डन, चलते हैं लंच करने, इसके बाद पीडिया है 1, 2, 3, फिर छुट्टी हो जाएगी, लेट्स गो, बहुत भूख लगी। आ गए लंच करके वापस, आज कॉलेज में ऐसा लग रहा है सन्नाटा, छुट्टियां वैकेशन शुरू हो गया, कॉलेज में ऐसा लग रहा है कोई नहीं है कॉलेज में, आफ्टर बाय मंथली सुकून लगता है बस अभी 1 महीने का सुकून, सुकून भी क्या, अभी 1 महीना पढ़ना ही पड़ेगा, तो बाकी 1 महीने के बाद फिर से एग्ज़ाम होगा नवंबर से स्टार्ट, नवंबर पूरा एग्ज़ाम, 15 दिन आई थिंक एग्ज़ाम ही रहेगा, एंड में नवंबर एंड में सब खत्म होता है, फिर थोड़ा राहत रहे रिजल्ट की वेट। अब तो रिजल्ट के इन लोगों ने क्या किया कि एग्ज़ाम हुआ दूसरे दिन रिजल्ट आ जाएगा, बायो मंथली का भी जैसे हमारा पहले दिन IIM का था, IIM एंड PCM, तुरंत रिजल्ट आ गया, मतलब तुरंत रिजल्ट दे देता है ये लोग, तो वो एक चीज़ सही है कि जल्दी रिजल्ट तो आ जाता, वेट नहीं करना पड़ता, वन इम्प्रूवमेंट गुड। ठीक ठाक हो रहा है, रिपेयरिंग लेक्चर हो गया है ख़त्म, 2 बजे आज ख़त्म कर दिया, मैम लेट स्टार्ट किया 1:15 को, 2 बजे ख़त्म कर दिया, तो आज का दिन यही समाप्त होता है। यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है, बट कई टाइम मिले ऐसे मैं बनाऊँगा, जस्ट बियर विद मी एंड बेस्ट ऑफ लक गोज योर एग्जाम इन कमिंग डेज, लव यू ऑल।